कोरोना संकट के बीच डीलरों की कालाबाजारी और जमाखोरी बढ़ती ही जा रही है। प्रशासन के द्वारा इस मुसीबत की घड़ी में गरीब और बेसहारा लोगों के लिए हर संभव मदद की जा रही है, लेकिन कुछ मुनाफाखोरों की वजह से गरीबों को उनका हक नहीं मिल पा रहा है। कटिहार के वार्ड नंबर 3 में डीलर की मनमानी से तंग आए लोगों ने जिला अधिकारी के पास पहुंचकर मदद की गुहार लगाई। जब हम लोग कोटा गए राशन उठाने के लिए तो हम लोग देखे कि वहाँ सड़ा हुआ पूरा चावल था, खाने लायक चावल नहीं था, तो हम लोग बोले कि ये चावल हम लोग नहीं लेंगे। तो उसके पास हम लोग अरवा चावल लेते थे सर हर एक बार, लेकिन इस बार पूरा खराब चावल आया है। इसी का चावल में पूरा पिल्लू है सर, पूरा ढेला ढेला करके चावल में है, लेकिन वो चावल खाने लायक नहीं है सर। चावल कौन है डीलर तुम्हारा? शकरुद्दीन खान, और उसके पास उतना चावल भी है सर। क्या कर रहा है? बदमाशी कर रहा है जी सर। उसके पास उतना चावल भी है, लेकिन बोलता है कि चावल वो पैसा से देंगे, ये अरवा चावल फ्री में देंगे। कालाबाजारी कर रहा है जी सर। जी सर, कौन एरिया का घटना है? ये मेडिकल कॉलेज है ना सर, वहीं का घटना है, और हम लोग का वार्ड नंबर 3 पीपर पाती से हम लोग राशन उठाने के लिए। डीलर का? शकरुद्दीन खान। अभी आप लोग कहाँ आए हैं? हम लोग आए हैं डीएम के साथ, डीएम के पास सर, वही सब फरियाद लेकर के कि सर ऐसे ऐसे हम लोग के साथ हो रहा है। पूरा चावल सड़ा हुआ? जी सर, चावल सड़ा हुआ। क्या बोलता है डीलर? वहाँ गए डीलर के पास तो हम लोग बोले कि हम लोग ये चावल नहीं लेंगे। हम लोग जाते हैं विधायक जी के पास। क्या बोला? तो बोला कि ठीक है जाइए, कोई खोज खबर लेकर आइएगा, लेकिन हम लोगों को यहाँ पर आइएगा तो ऐसे खाली नहीं आइएगा। मतलब कि धमकी देता है? जी सर, जहाँ जाना है जाओ, जहाँ जाना है जाओ। वहीं जिला अधिकारी कंवल तनुज ने डीलर पर सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। शिकायत जितना हम नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट का पढ़ रहे हैं उतना हमारे यहाँ पे अभी मेरी जानकारी में नहीं आया है। अरवा चावल की कहीं कहीं से शिकायत आई थी, और बाकी कुछ अनाज कम दिए जाने की बात कहीं कहीं से आ रही थी। उसकी हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट की टीम्स बनाई, लगभग 20 टीम्स यहाँ से गई थी। ज़्यादातर ने रिपोर्ट यही की है कि पैसा नहीं लिया जा रहा है प्रधानमंत्री गरीब किसान योजना में, और क्वांटिटी भी ठीक मिल रही है। मतलब जो मीडिया में जिस प्रकार की खबर आई उसके विपरीत हम लोगों को रिपोर्ट आई। हाँ, कहीं कहीं अनियमितता की बात की तो उसमें हम लोगों ने डीलर्स पे एफआईआर का आदेश दिया है, और मैं समझता हूँ अभी एफआईआर हो भी गई होगी। और बाकी हाँ हो गई होगी। कितने हुई एफआईआर? ये नहीं, ये मैं जब मेरे पास कांड संख्या एसडीओज रिपोर्ट करेंगे तो मैं आपको एग्जैक्ट बताऊँगा, क्योंकि उसमें एक आदमी एसडीओज ने कुछ शोकॉज करके कुछ एक नया फैक्ट बताया है, तो दी एग्जैक्ट फिगर विल बी नोन बाय इवनिंग। लेकिन जहाँ अनियमितता आई है वहाँ पे एफआईआर हम लोगों ने की है, जहाँ पे उतनी बड़ी अनियमितता नहीं है वहाँ पे हम लोगों ने शोकॉज किया, लेकिन उतना भी नहीं आया है जितना कि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। कई लोगों ने क्लीन चिट भी दी है डीलर्स को। कोरोना संकट के बीच लॉकडाउन की सबसे ज्यादा मार गरीबों पर पड़ी है। प्रशासन एडी चोटी का जोर लगा रहा है कि गरीबों को किसी तरह की परेशानी न हो। फिलहाल ग्रामीणों की शिकायत पर डीलर से पूछताछ की जा रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए कटिहार से रितेश की रिपोर्ट।